नमस्कार, तेजस 24 में स्वागत है आपका। मैं हूं अनिल चावला, आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मोहम्मद अरशद खान साहब पूर्व राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जौनपुर सदर न्यास सहगंज में अम्बेडकर विचार मंच के राष्ट्रीय संयोजक अयोध्या के संत स्वामीनाथ महाराज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोहम्मद आजम खान साहब, उनके परिवार और जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो मुकदमा कायम हो रहे हैं उसके विरोध लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। आप अपना परिचय दीजिएगा। जी, मोहम्मद अरशद खान, पूर्व विधायक जौनपुर, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी और मदर टेरेसा फाउंडेशन का ऑल इंडिया कन्वीनर भी हूँ। आज आपके साथ अयोध्या के संत श्री स्वामीनाथ जी मौजूद हैं। आपके किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया यहाँ पे आपने? असल में हमारी पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं मोहम्मद आजम खान साहब, जो 9 मरतबा विधायक रहे, राज्यसभा में रहे, MP रहे, और जिन्होंने एक हिस्टोरिकल काम किया है जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी और सर सैयद अहमद खान ने किया था, जो यूनिवर्सिटी बनाई थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए मोहम्मद आजम खान साहब ने रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी बनाकर हिंदू और मुसलमानों के सबके बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया है। उनके और उनकी बीवी, उनके बेटे और जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ बहुत सारे 80-90 मुकदमे बहुत कम टाइम में लगातार 3-4 महीने में कायम हो गए। तो उससे लगता है कि साजिश है, क्योंकि जिस आदमी पे एक भी मुकदमा नहीं था उस पे चंद दिनों में 2-4 महीने में 70-80-90 मुकदमे कायम हो जाएं, तो इसे खडियत और साजिश नज़र आती है। तो इसके लिए पहले संत स्वामीनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 31 जुलाई 2019 को रामपुर में बहुत बड़ा धरना दिया था और कम से कम 50 संत अयोध्या से संत स्वामीनाथ जी के नेतृत्व में रामपुर गए थे और वहाँ ये लोग गिरफ्तार हुए थे। और इन लोगों ने मांग किया था कि आजम खान उनके परिवार के लोगों पर से फर्जी मुकदमे हटाए जाएं और CBI जांच कराई जाए, लेकिन अब उनको जेल में बंद कर दिया गया है, मोहम्मद आजम खान, उनकी बीवी, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को। तो इसलिए संत स्वामीनाथ जी अपने मंच से पहले भी, अंबेडकर विचार मंच से पहले भी लड़ाई लड़ चुके हैं और आज भी संत स्वामीनाथ जी बहुत मजबूती के साथ मोहम्मद आजम खान उनके परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग इनके साथ मिलकर संत स्वामीनाथ जी के नेतृत्व में अम्बेडकर विचार मंच के बैनर तले, क्या समाजवादी पार्टी आजम खान की लड़ाई नहीं लड़ रही है? पूरे देश में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी भी लड़ाई लड़ रही है और पहले भी 31 जुलाई को जब बाबा संत स्वामीनाथ जी और के संत सब गिरफ्तार हुए थे, अब्दुल्ला आजम गिरफ्तार हुए थे, हम लोग अरेस्ट हुए थे, तो 1 अगस्त को आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता हैं, उन्होंने मुरादाबाद और सहारनपुर मंडल के समाजवादी पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बहुत बड़ा प्रदर्शन करवाया था और फिर खुद भी अखिलेश यादव जी रामपुर जाके आवाज़ उठाई उन्होंने मोहम्मद आजम खान, उनके परिवार और जौहर यूनिवर्सिटी के विरुद्ध जो मुकदमे और साजिशें हो रहे उसके खिलाफ अखिलेश यादव ने भी बड़ी मजबूती से आवाज़ उठाई थी। और अब जी आजम खान उनकी फैमिली लोग जेल गए तो भी अखिलेश यादव जी मिलने गए, हम लोग भी मिलने गए, तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है, अपने ढंग से लड़ रही है। हम तो आह्वान करते हैं कि जो दूसरी पार्टियां हैं, दूसरे संगठन हैं, जिनको लगता है कि मोहम्मद आजम खान साहब के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके परिवार के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जौहर यूनिवर्सिटी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वो पार्टियां भी अपने अपने बैनर से आएँ। और आज संत स्वामीनाथ जी जो अयोध्या के बहुत बड़े संत हैं, 50 साधुओं को लेकर 31 जुलाई 2019 को रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी गेट पर धरना देकर आपने गिरफ्तारी किया था, वो लड़ रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। और अंबेडकर विचार मंच जो पूरे देश में प्रदेश में इनका है संगठन, उसके बैनर तले भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी अपने बैनर तले लड़ रही है, उसमें भी हम समाजवादी पार्टी के हमारे जिम्मेदार नेता हैं, हम राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं,
और आज भी ईमानदारी से समाजवादी पार्टी में हैं और उसके बैनर तले भी लड़ते हैं। जैसे कि जौनपुर में कुछ दिन पहले सीए एनआरसी के खिलाफ आंदोलन चला हुआ था, उसमें कि कुछ लोगों को गुंडा एक्ट लगाकर कार्रवाई की जा रही है, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से हम कहना चाहेंगे कि इस देश में लोकतंत्र है और सबको कोई खराब कानून बन जाए, सरकार कोई गलत काम करे या सरकार से कुछ मांगना है तो सभी देश के प्रदेश के नागरिकों को धरना प्रदर्शन आंदोलन करने का अधिकार है। तो जिन लोगों ने सीए का विरोध किया, हम देख रहे हैं चाहे वो लखनऊ के हों, गोरखपुर के हों, जौनपुर के हों और पूरे उत्तर प्रदेश के जो सीए आंदोलनकारी थे, उनकी संपत्तियां जब्त की जा रही हैं, उन पर गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है, रासका लगा कर जेल भेजा जा रहा है और वसूली की जा रही है। ऐसा भारत में कभी हुआ नहीं था, उत्तर प्रदेश में कभी हुआ नहीं था। ये दमनात्मक कार्रवाई है, हम इसके विरोध में भी समाजवादी पार्टी के मंच से भी लड़ाई लड़ेंगे और आदरणीय संत स्वामीनाथ जी महाराज के अंबेडकर विचार मंच के जरिए भी हम लोग इसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। और अभी आपने देखा कि गोरखपुर में, वहाँ कानपुर में 8 पुलिस के लोग, थानेदार, सीओ और पुलिस के लोग बुरी तरह से मार डाले गए, शहीद हो गए। तो कानून व्यवस्था खुद बड़ी ख़राब हो गई है, देश कोरोना से लड़ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की, देश की सरकारों की जिम्मेदारी है कि किसी भी नागरिक का उत्पीड़न ना हो, इसे हम आज मांग कर रहे हैं। और इसके लिए संत स्वामीनाथ जी के नेतृत्व में अम्बेडकर विकास मंच के बैनर तले हम लोग बहुत मजबूती के साथ पूरे देश प्रदेश में धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, ज्ञापन देंगे और 15 जुलाई को पूरे प्रदेश में और पूरे देश में अंबेडकर विचार मंच के लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को अपने अपने जिलाधिकारियों और SDM के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे और इस पे बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा जी, आप तो अयोध्या के संत हैं, अंबेडकर विचार मंच धारा का मंच जो आप लाए हुए हैं, कब से चल रहा है ये? अरे, 10-15 वर्षों से हमारा मंच चल रहा है और संत हैं तो संत का मतलब है कि रक्षा करना, किसी को प्रताड़ित न किया जाए, कहीं आपके सामने कोई जो है अन्याय अत्याचार हो रहा है तो उस पर आँख कान मूंदना ठीक नहीं है, उस पर संघर्ष करना है, लड़ाई लड़ना है। इस विचार से जो है अंबेडकर विचार मंच में हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और आजम खां को, आप मोहम्मद आजम साहब का खान साहब के बारे में क्या जानते हैं? मोहम्मद आजम खान साहब जो है एक बहुत तपस्वी व्यक्ति हैं, जैसे मदन मोहन मालवीय जो हैं उसी कैटेगरी के, उसी हिसाब से उसी रास्ते पर चलकर अपना यूनिवर्सिटी बनाए हैं जिसमें हिंदू मुसलमान के बच्चे पढ़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान के लोग पढ़ा रहे हैं, सब एक साथ एक भावना से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा, इसके बावजूद भी उनके साथ अन्याय अत्याचार जो है सरकार कर रही है, 70-80 मुकदमे जो है थोड़े ही क्षण महीनों में, 2-3 महीनों के अंदर जो है 70-80 मुकदमे उनके खिलाफ कायम हो गए। ये दुर्भावना है, ये बहुत गलत है। हम इस पर जो है TV को बराबर समाचार पत्रों में देखे और हमसे रहा नहीं गया कि ये अन्याय, इतने बड़े मालवी के कदमों पर चलने वाले जो है व्यक्ति के साथ इतना दुराचार अन्याय हो रहा है, क्यों हो रहा है? यूनिवर्सिटी में जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए हम लोग जो है संतों के साथ जो है गए थे, वहाँ पर अरेस्ट किया गया और उनको अरेस्ट किया गया, अब्दुल्ला उनके आजम खां के लड़के को अरेस्ट किया गया, वो भी मौके से पहुँच गए, हमारे साथी लोग भी पहुँचे थे उसमें, जो है मोहम्मद अरशद खान साहब भी पहुँचे थे और बहुत से लोग पहुँचे थे उसमें, कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, हम लोगों को जो है बैठाए रहे और अंत में जो समझे कि ये न्याय की लड़ाई है, शाम को जो है सब कुछ जो है हम लोगों को छोड़ दिया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।